पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी ललिया राधा रमन सिंह के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष हरैया अखिलेश कुमार पांडे के कुशल नेतृत्व में थाना हरैया पर वादी ब्रजेश कुमार सोनी, पुत्र लोकेश्वर नाथ सोनी निवासी ग्राम गनवरिया मजरा बेलवा थाना हरैया व वादी स्वामीनाथ पुत्र सीताराम निवासी गनवरिया महमूद नगर थाना हरैया की लिखित तहरीर पर थाना हरैया में पंजीकृत मुकदमा पंजीकृत कर माल मुलजिमान की तलाश गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पर पुलिस टीम गठित कर पतारसी सुरागरसी कर तलाश की जा रही थी, जिसके क्रम में उप निरीक्षक सुनील कुमार पाल, होसिला प्रसाद यादव, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार यादव, कांस्टेबल मनीष प्रताप सिंह, लक्ष्मण यादव व शिवम कुमार गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र पतारसी सुगारसी माल मुलजिमान की तलाश में मामूर थे कि तभी मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि स्वामीनाथ के आटा चक्की की चोरी हुए सामान, साउंड सिस्टम, बैटरी को बेचने के लिए एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति जा रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करते हुए मौके पर पहुंचे और अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो अभियुक्त मोटरसाइकिल छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। तभी हमराह पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को पकड़कर पुलिस हिरासत में लिया गया। थाना क्षेत्र हरैया में दो चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें एक चोरी में म्यूजिक सिस्टम, बैटरी आदि चोरी हुआ था और दूसरी घटना 5:45 की रात्रि में, जिसमें एक सराफा व्यापारी हैं जिनकी दुकान से उनकी अलमारी और उसके साथ कुछ सामान थे, आभूषण थे, जो चोरी हुए थे। इस घटना के ऊपर, दोनों घटनाओं पर पुलिस टीम काम कर रही थी और इन दोनों घटनाओं का ही सफल अनावरण हरैया एसओ और उनकी टीम के द्वारा किया गया है, जिसमें तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से चोरी गया हुआ म्यूजिक सिस्टम, बैटरी और जो दूसरी घटना थी उसमें जो अलमारी उठा के लेके गए थे, साथ ही जो आभूषण थे, वो सभी बरामद कर लिए गए हैं। इन तीनों मुलजिमों को, जो कि देवनगर के रहने वाले हैं, एक अमरेश पत्थरकट, दूसरे सोनू वर्मा हैं, ये दलपतपुर के रहने वाले हैं, और मोनू मिश्रा, ये ग्राम गनवरिया के हैं, ये आसपास के गांव क्षेत्र के ही लोग हैं और पूर्व में भी इनके ऊपर चोरी का मुकदमा था, चोरी घटना में शामिल थे और अब इनको जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।